शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुनानगर के, आपको बता दें कि खलेसर एरिया में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर 2 से 3 फुट तक का पानी भर गया है और वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए बारिश का बहाव, देखिए नदियों का उफान, देखिए सड़कों पर रेंगते वाहन, देखिए। दरअसल ये नजारा है यमुनानगर का, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही बारिश निचले इलाकों के लिए आफत साबित हो सकती है, क्योंकि बारिश से ऊपरी इलाकों में कई नदियां उफान पर हैं और ज्यादा बारिश होने से हथुनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका है। जिला उपायुक्त ने बताया कि बैराज पर 50,000 क्यूसेक पानी था, लेकिन अब बढ़कर 51,000 क्यूसेक हो गया है। सुबह के टाइम ये 50,000 क्यूसेक चल रहा था, 51,000 हो गया है, तो हम बिल्कुल स्थिति पे नजर बनाए रखे हुए। मैंने कल शाम को ही अपने ऑफिसर्स के साथ रिव्यू कर लिया था, जो हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस है, अभी कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। ये बताया गया पथराला के ऊपर शायद पटरी की बात आई है, तो वहाँ पे ऑफिसर्स को हमने भेज दिया, तहसीलदार को भी और एक्सचेंज इरीगेशन को। यमुनानगर के कुछ क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई घरों में पानी भर गया। नेशनल हाईवे 73 जगह जगह से टूट गया। सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखाई देने लगे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के खिजराबाद क्षेत्र के साथ छोटी छोटी पहाड़ियां लगती हैं और मूसलाधार बरसात के कारण पहाड़ियों से पत्थर गिरने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल जलस्तर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो उसके भी पुख्ता इंतजाम हैं। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।